अभी वक्त है। इसका अंजाम कब आएगा मूसा? जल्द, बहुत जल्द हारून। मैं भी थक गया हूँ। मैं अपनी बीवी सफोरा और बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। तुम इसी मकसद के लिए पैदा हुए थे मूसा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान का दिल उसकी जिंदगी के मकसद से अलग हो जाए और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहे? मेरे सवाल का जवाब दो हारून, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यही वजह है कि अल्लाह को आप पर एतबार है मूसा। मूसा, तुम्हें मिस्र की मुसीबत नहीं दिखती? ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे सुलह की कोशिश की थी, तुमसे कहा था कि तुम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और इसके बावजूद कहरे इलाही मिस्र को बर्बाद कर रहा है। फिरौन, तुम अपनी शरायत पर अल्लाह को तहकुम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि हम लोगों को 3 दिनों के लिए रेगिस्तान जाने दो। और मैं क्या करूं? मैं सूरज का बेटा हूं, सूरज को उगाता और गर्क करता हूं। अब भी मिस्र में बहाली है, उसे तुम छू नहीं सकते। जाओ मूसा, मुझे छोड़ दो। सुनो फिरौन, तुमने खुदा को अल्लाह के लिए पुरखलूस होने से इनकार किया है। उन्हें रिहा करो ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। तुम्हें सिर्फ यही करना चाहिए। मैंने गोशीन के खुदावंद के आगे हर मुमकिन तौर पर इकबाल व इकरार किया है। तुमने पछतावे के फरेब कुन अल्फाज से मेरे कानों को रिझाया ताकि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करूं, और हर बार तुम्हारे दिल ने सख्त गिरी इख्तियार की कि तुम हमारी रिहाई के मुहायदे से रदगर्दी कर सको। तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो मूसा? इतना कुछ कर लेने के बाद जाओ, हमें छोड़ दो। ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे मूसा? परवरदिगार ने मुझसे कहा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करो और सारे मिस्र पर मुकम्मल अंधेरा छा जाए, चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो। जाओ मूसा और अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उन मवेशियों की रेवड़ को छोड़ जाओ और अपने बच्चों के हमराह यहां से चले जाओ। फिरौन, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि हम अपनी कुर्बानियां कर सकें ताकि उन्हें हम अपने खुदा को पेश कर सकें। हम अपने मवेशियों के रेवड़ का एक नाखून भी यहां नहीं छोड़ेंगे। रुखसत हो जाओ मूसा, और याद रखो, दोबारा मेरे सामने कभी ना आना। जिस दिन तुम मेरी शक्ल देखोगे, मर जाओगे। ये तुमने सही कहा, दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिरौन आजम, जबरा ने आसमानों को रोशन किया तो तुम्हें एक लड़का दिया। तुमने मूसा के खुदा को हरा दिया है। ये रहा आपका बेटा, सूरज का बेटा, रा का तखलीक करता है। मिस्र बच गया और बुलंद हुआ।
बच्चे, मेरे बच्चे, तूने देखा, देखा तूने, हम कितने ताकतवर हैं। मित्र हमेशा कवि तरीन रहेगा पहले की तरह। ऐ रोशनी के देवता, हमारी सरजमी से अफरा तफरी के इस अंधेरे को खत्म कर दे। मिस्र की कुवत को बहाल कर, साथ अपने खिदमतगार फिरौन को भी। मूसा, हारून, मूसा, हारून, मूसा। कब तलक मूसा? 6 महीने क्या ये काफी होंगे? 6 महीने बस मूसा। कह दो हमसे कि चले जाएंगे। हम रुखसत हो जाएंगे। हाँ, ये 6 महीने काफी लंबे थे, लेकिन हमने अपने खुदा के गलबे को देख लिया। वो तमाम खुदाओं का खुदा है जो एक ही तन्हा और हकीकी खुदा है। तो हम क्या करें मूसा? सामान बांधे और सफर करें? नहीं, आज की रात मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र पर छा जाएगा और हर पहलौठी औलाद मर जाएगी, लेकिन गोशन को छोड़ दिया जाएगा ताकि हम सभी अल्लाह के अहकामात की तामील करें। आप हमको बताएं, हम दूसरों को बता देंगे। हर खानदान किसी एक बकरी या मेंढे को साथ ले जिसमें कोई नुक्स ना हो। 1 साल का बकरा या मेंढा जिसे हम आलस सुबह जिबा करेंगे। फिर उसके खून को एक खुशबूदार शाख में लेकर अपने घरों के खिड़की दरवाजों को रंग दो। फिर उसी रात उसका गोश्त आग में सेंक कर खाओ, लेकिन वो गोश्त तुम्हें गैर खमीरी रोटियों और तल्ख जड़ी बूटियों के साथ खाना होगा। उसका सर, उसके पाए और उसकी अंतड़ियां भी सेंक कर खाओ, और कोई चीज कच्ची या उबली हुई ना खाना। उसे इस तरह खाओ, तेजी से कपड़े बदन पर, जूते पैरों में और डंडे तुम्हारे हाथों में हो। इसको तेजी से खाना लाजमी है ताकि वो अल्लाह की तरफ फौरन पेश हो जाए। हुजूरे आला, जल्दी खातून के पास चलिए। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? हमारा पहला बच्चा मर गया, मर गया। मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। मूसा को मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म जहां बना। ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे मूसा? परवरदिगार ने मुझसे कहा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ ऊंचा करो और सारे मिस्र पर मुकम्मल अंधेरा छा जाए, चारों तरफ सिर्फ तारीकी हो। मैंने तुमसे सुलह की कोशिश की थी, तुमसे कहा था कि तुम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और इसके बावजूद कहरे इलाही मिस्र को बर्बाद कर रहा है। फिरौन, तुम अपनी शरायत पर अल्लाह को तहक्कुम नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि हम लोगों को 3 दिनों के लिए रेगिस्तान जाने दो। और मैं क्या करूं? मैं सूरज का बेटा हूं, सूरज को उगाता और गर्क करता हूं। अब भी मिस्र में बहाली है, उसे तुम छू नहीं सकते। जाओ मूसा, मुझे छोड़ दो। सुनो फिरौन, तुमने खुदा को अल्लाह के लिए पुरखलूस होने से इनकार किया है। उन्हें रिहा करो ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। तुम्हें सिर्फ यही करना चाहिए। मैंने गोशीन के खुदावंद के आगे हर मुमकिन तौर पर इकबाल व इकरार किया है। तुमने पछतावे के फरेब कुन अल्फाज से मेरे कानों को रिझाया ताकि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआ करूं, और हर बार तुम्हारे दिल ने सख्त गिरी इख्तियार की कि तुम हमारी रिहाई के मुहायदे से रदगर्दी कर सको। तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो मूसा? इतना कुछ कर लेने के बाद जाओ, हमें छोड़ दो। अभी वक्त है। इसका अंजाम कब आएगा मूसा? जल्द, बहुत जल्द हारून। मैं भी थक गया हूं। मैं अपनी बीवी सफोरा और बच्चों के पास जाना चाहता हूं। तुम इसी मकसद के लिए पैदा हुए थे मूसा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान का दिल उसकी जिंदगी के मकसद से अलग हो जाए और अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुकून से रहे? मेरे सवाल का जवाब दो हारून, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। और यही वजह है कि अल्लाह को आप पर एतबार है मूसा। मूसा, तुम्हें मिस्र की मुसीबत नहीं दिखती? ये क्या किया है तुमने? जाओ मूसा और अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उन मवेशियों की रेवड़ को छोड़ जाओ और अपने बच्चों के हमराह यहां से चले जाओ। फिरौन, तुम्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि हम अपनी कुर्बानियां कर सकें ताकि उन्हें हम अपने खुदा को पेश कर सकें। हम अपने मवेशियों के रेवड़ का एक